पूरा प्लेट खत्म करेगी। हाँ अच्छा है बाबा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे हो एंड क्रिसमस ईव आ चुका है बहुत जल्दी एंड आई होप आप सबकी तैयारी भी जोरों शोरों से लगी है। मैंने हमारे यहाँ क्रिसमस उतना तो नहीं मनाते हैं बट क्योंकि मेरी बेटी है एंड इसलिए मैंने थोड़ा बहुत प्लान किया है, इसलिए मैंने आज कुछ सामान मंगाया है वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो अभी एक्चुअली शाम होने वाली है, अभी ब्लॉग शूट करना मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि 2-3 घंटे में लाइट चली जाएगी, यानी कि बाहर का डे लाइट एंड हमारे घर में उतना लाइटनिंग नहीं है। सो मैं आज ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि शायद कल से या परसों से मैं ब्लॉग बिल्कुल बना नहीं पाऊंगी क्योंकि एक छोटा सा सर्जरी होने वाली है मेरी, इसीलिए ब्लॉग करने का मतलब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बट जो भी होगा आप मेरे हस्बैंड के चैनल में देख सकते हो क्योंकि वो अपना ब्लॉग शूट करेगा एंड क्या हो रहा है, क्या प्रोसीजर, क्या सर्जरी है वो जरूर शूट करेगा एंड पता नहीं वो बाहर अभी कुछ देख के सपना देख रहा है क्या सपना देखा जा रहा है बाहर देख के? बाहर किसको देख रहा है? बस ढूंढ रहा था, नजारे देख रहा था बाहर। ओह माय गॉड, हटो, देखो दिखना। ओह माय गॉड। तो एनीवे ये सर्जरी एक्चुअली मेरा प्लान था फेब या मार्च में करने का बट अभी फेब या मार्च पे बहुत लेट हो जाएगा एंड अभी मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये क्रिसमस से पहले ही सर्जरी मैं करा लेती हूँ। 2 दिन यानी कल होगा सर्जरी एंड 25th को क्रिसमस है, सो इसलिए मैंने सोचा कि सर्जरी फटाफट करवा लेते हैं ताकि क्रिसमस के टाइम एटलीस्ट थोड़ा कुछ मैं कर पाओ, एकदम मतलब बेड रेस्ट ना हो मेरा, इसलिए कल ही मैं सर्जरी करवा रही हूँ। एनीवे उसका डिटेल्स तो मैं आपको बाद में दे दूंगी बट आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं एक केक बनाने वाली हूँ जो मैंने शायद पहले कभी नहीं बनाया। आपने मेरे फूड चैनल पे देखा होगा कि बहुत सारा बिस्किट का केक, मैदे का केक, आटे का केक, बनाना केक, बहुत केक बनाया मैंने बट मैंने बटर मिल्क केक कभी नहीं बनाया, तो आज मैं वो ट्राई करने वाली हूँ विथ सम ड्राई फ्रूट्स, यानी आप बोल सकते हो फ्रूट केक। तो उसके लिए मैंने अमेजन से कुछ सामान मंगाया है एंड वो एक्चुअली ये मैं एक डेमो देना चाहती हूँ क्योंकि मेन जो क्रिसमस में मैं बनाऊंगी अगर वो इनकेस खराब हो गया या कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं आज बना के तो ना देखने वाली हूँ कि ठीक ठाक बनता है कि नहीं, और अगर कुछ खराब भी बनता है तो कोशिश करूंगी क्रिसमस टाइम पे अच्छे से एकदम बने, इसलिए मैं आज केक बनाने वाली हूँ। एंड यस, आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान मंगाया, और सारे सामान मेरे अमेजन से आए, तो चलिए फटाफट वो दिखाती हूँ। सो सबसे पहले अमेजन से ये वाला मेरा बॉक्स आया है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई फ्रूट्स। सो ये ड्राई फ्रूट्स मैंने मंगाया है सिर्फ क्रिसमस के लिए। सो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें पूरा एक फुल पैकेज है जो बहुत ही सस्ता लगा मुझे। ये देखिए, ये है ड्राई फ्रूट का पैकेट, यहाँ पे टूटी फ्रूटी है, यहाँ पे डिफरेंट कलर टूटी फ्रूटी है जो कि मुझे चाहिए होगा केक के लिए। एंड देन यहाँ पे आपका चॉको चिप्स है, जी आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट, मैंने अभी कोई भी सील फाड़ा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ व्हाइट चॉको चिप्स है एंड ब्लैक चॉको चिप्स है। एंड यहाँ पे है आपका कोई भी केक या आइसक्रीम गार्निशिंग के लिए, ये आप लोगों ने देखा होगा ये आपका बहुत केक कंपनीज यूज करते हैं, तो मैंने ये मंगाया है। तो बस ये तीनों जो है ये सिर्फ केक डेकोरेट करने के लिए है, ड्राई फ्रूट्स एंड यहाँ पे कुछ चॉको चिप्स एंड ये डेकोरेट करने के लिए आपका जो कलरिंग वाला रहता है वो वाला। सो ये तीनों का मुझे पड़ा है 299, जो आई थिंक सस्ता ही पड़ा है। तो अभी मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ, और ये है अमेजन का दूसरा बॉक्स, ये अभी अभी आया है, ये क्रिसमस के लिए नहीं है, ये मेरा दूसरा कंटेंट के लिए है जो मैं अभी नहीं कर सकती बट यस मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बेसिकली ये मैंने बहुत दिन पहले मंगाया है एंड आया है आज, आप तो समझ ही गए होंगे ये क्या है, ये बहुत ट्रेंडिंग में चला है बट मैंने अभी एक्चुअली ये चिली है, मैं बहुत डरती थी कि मतलब ये पता नहीं खाने से क्या होगा क्योंकि मुझे स्पाइसी उतना पसंद नहीं है। आपने देखा होगा कि एक स्पाइसी चैलेंज किए थे मैगी जो मैं हार चुकी थी। सो बेसिकली ये मेरे कंटेंट के लिए है एंड
मैं बहुत जल्दी जैसे मैं ठीक हो जाऊंगी सर्जरी के बाद मैं ये जरूर ट्राई करूंगी। तो इसके लिए मैंने ये मंगा के रखा है। तो इसका कॉस्ट कुछ आई थिंक कुछ 700 या 800 तक पड़ा है। तो यही था। तो आपने देखा बहुत सारे मतलब क्रिसमस का थोड़ा बहुत सामान मैंने केक के लिए लाई हूँ। एंड मैंने वो मैगी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने ऐसे बहुत वीडियो देखी है मैगी चैलेंज का, बट मैंने कभी इतना स्पाइसी मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। पिछले वाला जो मेरे हस्बैंड के चैनल में अभिषेक साहेब चैनल पे जो मैंने मैगी चैलेंज किया था वो मैंने खुद स्पाइसी बनाया था मिर्ची डाल के, बट और थोड़ा बहुत मतलब वो कुछ हांगकांग स्पाइसी था, थोड़ा बहुत स्पाइसी और मैंने बाकी बात मैंने मिर्ची डाला था। बट नेचुरली जो मतलब मैगी इतना स्पाइसी वो मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, बट ड्यू टू माई हेल्थ कंडीशन मैं वो ट्राई अभी नहीं कर सकती। वो शायद नेक्स्ट वीक ही पॉसिबल हो पाएगा अगर मैं ठीक ठाक फील करूँ। सो एनीवे मेरे हस्बैंड के चैनल पे वो शायद आप देख सकते हो बहुत पहले, तो अभिषेक साहब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। सो फिलहाल मैं बनाने वाली हूँ मिल्क बटर केक। सो ये मैं फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ, तो मैं सच में नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी होगा अगर अच्छा बने मैं आपको पूरी रेसिपी दिखा दूंगी, अगर अच्छा बने तो आप ट्राई कीजिए और अगर नहीं बने तो सोचना भी नहीं ट्राई करने के लिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, चलते हैं किचन पे। तो बटर मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास दूध लिया है एंड अभी मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच विनेगर। विनेगर डालने के बाद इसे हम 5 मिनट तक छोड़ देंगे, ये अपने आप बटर मिल्क हो जाएगा। तब तक हम अपने केक की तैयारी करते हैं। तो केक बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1 कटोरी मैदा, यहाँ मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया जिसे ऑल पर्पज फ्लोर भी बोलते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1/2 कप कोकोआ पाउडर, 1/2 चम्मच में यहाँ पे बेकिंग पाउडर लूंगी, यहाँ मैं 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा लूंगी। तो लास्ट में हम लेंगे यहाँ पे 1 कप में यहाँ पे शुगर लूंगी, आइसिंग शुगर जिसे हम कहते हैं। मैंने चीनी यहाँ पीस लिया है। तो ये जो मिक्सचर है अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा जो बटर मिल्क जो हमने साइड में रख दिया है। अब हम डालेंगे हमारा बटर मिल्क जो हमने साइड करके रख दिया था। इसे हम अभी बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पे विस्क इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप चम्मच से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो हम ऐसे मिक्स करेंगे, आप देख सकते हो जो बैटर है बहुत टाइट है। तो और हम थोड़ा जो बटर मिल्क बनाए थे तो वो बटर मिल्क हम थोड़ा सा डाल देंगे। वापस करके हमें एकदम इसे फ्लो कंसिस्टेंसी में लाना है, अगर हार्ड होगा तो आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। आपके पास अगर टूटी फ्रूटी अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट कैशियो नट्स काजू बादाम या फिर आलमंड आप कुछ भी ऐड कर सकती हो, बट मैं यहाँ पे फ्रूट केक बना रही हूँ तो मुझे टूटी फ्रूटी ऐड करनी है इसमें। तो अभी हम इसमें यहाँ पे मैंने कुछ टूटी फ्रूटी लिया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद हम ये मिक्सचर को बहुत अच्छे से वापस एक बार हम मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्टील का बर्तन ले लिया है और अब हम इसमें ब्रशिंग करेंगे ऑयल से। ये बैटर मेरे पास अभी बैटर पेपर है नहीं तो सॉरी मेरे पास अभी बटर पेपर है नहीं तो इसीलिए ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले आप अच्छे से इसे ब्रशिंग कीजिए। बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसमें मैदा छिड़क देंगे जिसे हम ऑल फ्लोर पर्पज भी बोलते हैं। जो मैदा हम छिड़केंगे अब इसे हम ऐसे राउंडली ऐसे करके हम इसे स्प्रेड करेंगे पूरे कटोरी में।
तो देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया है मैदा। अब हमारा जो बैटर है वो बैटर हम इसमें डालेंगे। तो बैटर मैंने डाल दिया है, अभी हम थोड़ा सा टूटी फ्रूटी लेंगे एंड इसके ऊपर से हम गार्निशिंग कर देंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड आप बच्चे लोग तो, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको बहुत पसंद आएगी, एकदम दुकान जैसा केक लगेगा। और ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि मैंने इसमें जो ऑयल है बिल्कुल नहीं डाला है। तो बस हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया, हम जो केक है वो कढ़ाई पे बनाएंगे। कढ़ाई को प्री हीट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप कढ़ाई गैस में या अपने ओवन पे बैठाइए एंड यहाँ पे आप केक डाल, केक का जो बर्तन है, केक का जो बर्तन है यहाँ डाल दीजिए एंड गैस को कर दीजिए मीडियम फ्लेम पे और ढक दीजिए 40 मिनट्स के लिए। तो केक को तो मैंने बैठा दिया है एंड अभी 40-45 मिनट्स लगेगा केक को रेडी होने पे, तो तब तक हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड मेरी बेटी सोई थी, उठ गई है, सो उसको अभी थोड़ा खिलाना है। तो मिलती हूँ आप लोगों से 45 मिनट्स बाद, देखते हैं हम लोग का केक कैसा बना है। ये एक्सपेरिमेंट आई होप अच्छा ही जाएगा, बट स्टिल मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैंने बटर मिल्क पहली बार यूज कर रही हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है। सो 45 मिनट्स हो चुके हैं एंड हमारा केक रेडी हो चुका है। माय गॉड, देखिए कितना धुआं निकल रहा है। तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ अभी। केक हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, अभी हम इसे मोल्ड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आपको खाना है केक? मेरी बेटी केक देख के बहुत एक्साइटेड हो गई है। ये तो चलिए इसे निकालते हैं। सो केक हमारा रेडी। ये बहुत यम्मी बनी है, एकदम परफेक्ट क्रिसमस केक बन चुका है। देखिए एकदम जैसे शॉप में मिलता है, केक शॉप में बिल्कुल वैसा बना है। सो हमारा केक रेडी हो चुका है एंड अभी हम केक कटिंग करेंगे। मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड है, तो चलो केक को पहले कटिंग करते हैं। एकदम परफेक्ट क्रिसमस केक बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत सॉफ्ट। ये केक कटिंग हो चुका है। तो केक को अभी हम निकालते हैं। केक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको केक दिखा के, केक से देखिए धुआं निकल रहा है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम परफेक्ट केक बना है। ओह माय गॉड, मेरी बहन, सॉरी मेरी बेटी हाथ दे रही है, वो बहुत एक्साइटेड है। तो चलिए इसको काट के देखते हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने केक एंजॉय कर लिया है एंड एकदम फ्रूट केक जिसे बोलते हैं क्रिसमस वाला, बिल्कुल वैसा बना है। मेरी बेटी तो बहुत एंजॉय कर रही है। चलिए मैं दिखाती हूँ वो कैसे खा रही है। केक, केक खा रही हो? पसंद आया आपको? आपको पसंद आया? तो ये जो पूरा प्लेट है लेके बैठी है खाएगी बोल के, है ना, पूरा प्लेट खत्म करेगी। हाँ अच्छा है बाबा। ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, कैसा है, कैसा है बाबा? खा लो, खा लो। ओ चलो खा लो। सो आप लोगों ने देखा अभी बहुत बिजी है केक खाने पे। सो बेसिकली आज का जो मेरा केक का एक्सपेरिमेंट था बटर मिल्क से, वो सक्सेसफुल हुआ। तो ये रेसिपी में जो है मैं अलग से केक बनाऊंगी एंड मेरा जो फूड चैनल है लाइफ ऑफ एन इंडियन लेडी, उस चैनल में मैं जरूर डालूंगी एकदम शॉर्टकट पे एक पूरा केक का रेसिपी, जो जो मैंने इंग्रेडिएंट यूज किया सब कुछ इसमें मैं दिखाऊंगी। सो डोंट मिस ऑन दैट चैनल, आपको मिल जाएगा पूरा रेसिपी और भी बहुत तरीके की केक का रेसिपी आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। सो बेसिकली अभी मैं चाय पीने वाली हूँ एंड काम पे बैठने वाली हूँ, मेरा ऑफिस का जो काम है वो शुरू हो चुका है। सो आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ, कल मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट। Right.